डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी का स्पेलिंग क्या होता है? एच आई एन डी। एक चापाकल है, ये आठवां अजूबा है देश का। अब सातवां अजूबा देखते होंगे, लेकिन ये विद्यालय का आठवां अजूबा है कि कमरे के अंदर चापाकल को व्यवस्थापित कर दिया गया है और उसके बगल में एक क्या बोलते हैं कि बॉक्स है, क्या बोलते हैं जो बच्चों को प्लेट मिलना चाहिए उसमें, मतलब कि चूहिया जो है वो लैटरिंग कर रही है, वो मतलब कि इसमें मल मूत्र कर रही है। वो अब आप पे सीधा आरोप मढ़ रहा है कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं। हमारा स्कूल में वो पढ़वे नहीं करता, हमारा नामांकन नहीं उसका। क्या बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूं नीतीश कुमार के गृह जिला से सटे एक गांव है नीमाकौल। यहां का एक लड़का है सोनू, जो कि दो दिन पहले नीतीश कुमार के समक्ष ये सवाल रखा कि हमारे गांव का जो विद्यालय है वहां के जो मतलब कि टीचर हैं वो हमें अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, हमको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। अब मैं सोनू के गांव आया हूं और सोनू के गांव का जो विद्यालय है उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और यहां के जो शिक्षक हैं वो कितना टैलेंटेड हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये विद्यालय है और ऐसा अगर मतलब कि बाहर से आप देखिएगा तो लगेगा कि विद्यालय कम और ये चारवाहा ज़्यादा आपको मतलब कि प्रतीत होगा, गौशाला आपको ज़्यादा प्रतीत होगा। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण भी, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ के एक मतलब कि दीपक सर का सोनू नाम ले रहा था बार बार, मैं उन दीपक सर से भी आपको मिलवाऊंगा और उसके साथ साथ दिखाऊंगा कि ये जो विद्यालय का स्ट्रक्चर है, विद्यालय का स्थिति परिस्थिति है वो क्या है। बगल में आप देख सकते हैं कि मतलब कि मवेशी बंधा हुआ है और ये मतलब कि नहर टाइप का कुछ है और मिड डे मील का जो खाना होता है, मिड डे मील का जो भोजन होता है उसको मतलब कि यहाँ के जो टीचर हैं या फिर यहाँ के जो बच्चे हैं वो खाते हैं और स्कूल के बाहर ही फेंक देते हैं। और वो आप अपने कैमरे के डिस्प्ले पर, मोबाइल के डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, ये विद्यालय है और विद्यालय का ये मुख्य दरवाज़ा है, मैं इसके द्वारा प्रवेश कर रहा हूँ और ये ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये कोई मतलब कि समुदाय भवन के जैसा आपको प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन ये समुदाय भवन नहीं है, ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है नीमाकौल का और ये मतलब कि प्रधानाध्यापक कक्ष है और प्रधानाध्यापक कक्ष में, एक सेकंड, प्रधानाध्यापक कक्ष में एक टेबल है और तीन कुर्सियाँ हैं और एक ब्लैक बोर्ड है, लेकिन इस कमरे के अंदर कोई नहीं है। और एक ये क्या बोलते हैं कि अलमीरा है और अलमीरा में कूड़ा कचरा जो भी होता है वो इसमें रखा हुआ है और क्या बोलते हैं जो बच्चों को प्लेट मिलना चाहिए उसमें मतलब कि चूहिया जो है वो लैटरिंग कर रही है, वो मतलब कि इसमें मल मूत्र कर रही है और ये बच्चों के पास होना चाहिए था। और ये क्या बोलते हैं कि अलमीरा है और उधर एक चापाकल है, ये आठवां अजूबा है देश का। अब सातवां अजूबा देखते होंगे, लेकिन ये विद्यालय का आठवां अजूबा है कि कमरे के अंदर चापाकल को व्यवस्थापित कर दिया गया है और उसके बगल में एक क्या बोलते हैं कि बॉक्स है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमको देख रहे हैं। ये बॉक्स के अंदर कुछ कागजात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि इस विद्यालय की स्थिति परिस्थिति क्या है। ये क्लासरूम है और क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे शिक्षक, दो शिक्षक हैं और जिस दीपक सर का चर्चा किया जा रहा था वो दीपक सर भी हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर भी रहे हैं। हम दीपक सर से भी आपको मिलवाएंगे और यहाँ के कुछ बच्चे हैं उनसे भी बात करवाएंगे और क्या बोलते हैं कि एक मैडम है, नई मैडम आई है नए नियोजन में, उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं नीमाकौल के, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ छोटी आपका? सहानी कुमारी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? नीमाकौल। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? फाइव में। फाइव का स्पेलिंग क्या होता है? FIVE। कितने टीचर हैं यहाँ पे स्कूल में? थ्री। तीन टीचर हैं, कौन कौन है, सबका नाम बताइए। दीपक सर, भवन सर, स्वीटी मैम। स्वीटी मैडम एगो आई है, एक दीपक सर और एक क्या बताए? भवन सर। भवन सर आते हैं? नहीं। बबन, अच्छा जो भी है, बबन सर आए हैं आज? नहीं। वो आज नहीं आए हैं कि आते ही नहीं है? आते हैं कभी 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 आते हैं, प्रत्येक दिन नहीं आते हैं। खाना में आज क्या मिला था आपको? झोर भात मिला था। कल क्या मिला था? कल बंद था। अच्छा, कल बंद था, बुद्ध पूर्णिमा का शायद बंद था। और आप लोग को डेली खाना मिलता है सर? डेली मतलब कि हेड सर डेली नहीं आते? बढ़िया से पढ़ाई होता है स्कूल में? यस। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अच्छा, आप किस जिले के रहने वाली हैं? बिहार। अच्छा, और किस राज्य के रहने वाली हैं? ये सब सर नहीं पढ़ाते हैं? यस। तो पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं आपको पता है?
अच्छा, यहाँ पे एक मैडम भी हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे। मैडम एक बात बताइए कि ये जो बच्चे हैं ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये 1 to 5 टोटल इसी में है सर। 1 to 5 टोटल एक ही कमरे में? हाँ, एक ही कमरे में। कैसे मैनेज करते हैं मैडम सभी बच्चों को? एक अलग अलग बिठाते हैं, 5 वाले के और अलग, 4 वाले को अलग, 3 को अलग, ऐसे कर करके। अच्छा, मतलब कि एक एक क्लास को अलग अलग करके डिवाइड करके बैठाते हैं, मर्ज करके बैठाते हैं। कितना दिक्कत होता है मैडम पढ़ाने में सभी बच्चों को एक साथ? बहुत दिक्कत होता है सर। तो प्रधानाध्यापक को इसका शिकायत नहीं? कि प्रधानाध्यापक से नहीं बोलते मैडम कि मतलब कि इसका व्यवस्था करवाएं? सर हम अभी नए आए हैं, बोले हैं सर को, तो अभी नए आए तो हमको उतना समझ में नहीं, बता दिए कि सर हमको प्रॉब्लम होता है पढ़ाने के लिए। अच्छा, अभी हम बच्चों से कुछ सवाल किया मैडम, उसका सवाल बच्चे नहीं दे पाए, ठीक है? तो ये सब जानकारी बच्चों को जरूरी है प्राइमरी स्कूल के? हाँ, एकदम जरूरी है। पढ़ाते हैं तो पूछ लीजिए कि मैम पढ़ाते हैं कि नहीं। मैडम आप पढ़ाते, उसका प्रॉब्लम है ना, याद करना नहीं करना। हम तो उससे फीडबैक भी लेते हैं, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, सब करते हैं सर। सब कुछ करती हैं। अच्छा, यह जो जिला है मैडम, इस जिले के DM साहब का क्या नाम? शशांक सुधाकर। क्या? शशांक सुधाकर। सही से आप याद कर लीजिए, शशांक सुधाकर। शुभांकर सर, शशांक शुभांकर। मैडम को DM साहब का नाम, DM साहब का नाम पता है। और दीपक सर की जो बात हो रही थी, दीपक सर कहाँ है? दीपक सर आए आज? हाँ आए सर। दीपक सर कहाँ हैं? हाँ दीपक सर, अब तुम उधर हो जाओ। हाँ हाँ, यही वो दीपक सर हैं, उधर देखिएगा, जिस पे सोनू आरोप लगा रहा था कि हमारे जो दीपक सर हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, है ना सर? वो उसका आरोप क्या है सर, मतलब कि वो ऐसा आरोप आप पे क्यों लगा रहा है? जैसे कि एक दिन कागज़ पर दस्तखत करवाने आया था, तो हम कहे थे कि हम हेडमास्टर नहीं हैं, हम कहाँ से दस्तखत करेंगे, और वो चला गया। तो यह आरोप है कि दस्तखत नहीं किए हैं, मोहर नहीं मारे, वह आरोप है हमको। अच्छा, दस्तखत और मोहर नहीं मारना वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो आप पे सीधा आरोप मढ़ रहा है कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं। हमारा स्कूल में वो पढ़वे नहीं करता, हमारा नामांकन नहीं उसको। क्या बोल रहे हैं आप? उसको नामांकन हमारा स्कूल से नाम कट गया बहुत दिन ही, 2 साल पहले ही। अच्छा, वो 6th क्लास में भी पढ़ रहा है, तो प्राइमरी का मतलब कि बच्चा है, तो प्राइवेट में पढ़ता था सर। अच्छा, वो सरकारी में पढ़ता ही नहीं? नहीं था। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये दोस्त है सोनू, यहाँ नहीं पढ़ता था छोटू? हम नहीं जानते। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम 6 में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 क्लास का बच्चा कोई है? 5वां क्लास का? इधर 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 छोटू छोटू, एक सेकेंड। अच्छा सुनो, सर बोल रहे हैं कि सोनू यहाँ नहीं पढ़ता था, सोनू को आप पहचानते हैं? यस। यही पढ़ता था ना? कभी कल आता था। अच्छा, यही पढ़ता था, यही ना? यस। एडमिशन तो यही था? प्राइवेट में भी था। अच्छा, प्राइवेट में भी था, सरकारी में पढ़ाई नहीं होता तो बच्चे नहीं आते होंगे यहाँ। यस, बात वही है ना? यस। अच्छा सर, आप बोल रहे थे कि ठीक है सोनू नहीं आता था आपके नज़र में, वो मतलब कि दिखा नहीं होगा, वो अलग बात है। आप बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं सर? हिंदी उन्दी यह सब पढ़ाते हैं। है? हिंदी। हिंदी का स्पेलिंग क्या होता है? HIND। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए सर कि आप जो जिला के रहने वाले हैं, उस जिला के DM साहब का क्या नाम? आपके बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। हैं? फागू चौहान। और जिला का DM साहब का आपको नाम नहीं पता है? वो बदलते रहते हैं। अच्छा, वो बदलते रहते हैं। हाँ, एक बात बताइए सर, DM का फुल फॉर्म क्या होता है? DM का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा ठीक है सर, वो कहाँ से आते हैं पढ़ाने? बनगच्छा से। क्या? बनगच्छा गांव से। बनगच्छा कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 14 किलोमीटर। डेली आप आ जाते हैं टाइम पे? टाइम पर। कितने बच्चे हैं सर टोटल आपके स्कूल में नामांकन? 52। 52 स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ पे दीपक सर थे और एक सहायक शिक्षिका थी जो कि नए नियोजन में आई हैं, और यहाँ पे लगभग दर्जनों ग्रामीण हैं, हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ और भी मतलब कि जो विद्यालय का स्ट्रक्चर है वो हम आपको दिखाएंगे। और ये विद्यालय के अंदर चापाकल है, और चापाकल से पानी आ रहा है, और पीछे जो मतलब कि विद्यालय का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। ये पीछे किचन है, और किचन में मेनू लगा हुआ है, दैनिक मेनू, और दैनिक मेनू में क्या बन रहा है अंदर? अच्छा, इसमें ताला लगा हुआ है, ये कभी खुला ही नहीं है जैसा प्रतीत हो रहा है। और ये दूसरा कमरा है, और ये भी बंद है, खुलता है? भूसा है, भूसा है। अच्छा, आप बगल में वॉशरूम है, वॉशरूम का भी हम आपको स्थिति दिखा देते हैं कि बच्चे वॉशरूम कैसे जाते होंगे।
ये वॉशरूम है और वॉशरूम के क्या बोलते हैं कि गेट पे एक चापाकल है और ये वॉशरूम के अंदर कैसे बच्चे, इधर आ जाइएगा रंचू जी और ज़रा दिखा दीजिएगा इसको। ये दिखा दीजिए अंदर क्या बोलते हैं कि सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा आपको दिखेगा। क्या क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं कि उस टीचर की गलती नहीं है, थोड़ा बहुत उनको मैंने नॉलेज कम है यही और सब। वही तो गलती है, नॉलेज कम है वही गलती, हम कहाँ बोल रहे हैं कि वो गलत है। हाँ एक क्या बोलते हैं कि और भी हैं, एक भाई साहब हैं, कहाँ के रहने वाले भाई आप? एक बिहार के। कहाँ से आए हैं? बिहार, बिहार से। अच्छा बिहार से। एक और दादा हैं, ग्रामीण हैं हम इन दादा, एक बात सुनिए ना, एक सेकेंड, कहाँ के रहने वाले? हम तो यहाँ नीमाकोल के रहने वाला, नीमाकोल के रहने वाले हैं। सोनू आपका पोता लगता होगा अगर रिश्ते से देखा जाए तो? हाँ भाई लाठी भतीजा लगता है, भतीजा लगता है। अच्छा सोनू का जो मतलब कि सर आरोप है कि सरकारी स्कूल का जो मतलब कि व्यवस्था है वो सुधरना चाहिए, उसका आरोप कहीं ना कहीं आप किस नज़र से देखते हैं उसको? वो तो ठीक ही किया है, वो ठीक किया है, हमारा समझ तो ठीक ही किया है। अच्छा मतलब कि आपके भी पोता पोती यहाँ पे पढ़ते होंगे? पढ़बे करता है, पोता पोती तो छोटा छोटा में आराम से पढ़ता, कुल भाई भतीजा के बाल बच्चा है रहता है, पढ़िए ना। क्या बोल रहे दादा? हाँ ये सोनू ठीक कर रहा है, सोनू ठीक, हाँ सोनू ठीक कर रहा है, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था सुधार, हाँ ठीक है, सुधारना तो बढ़िया की चीज़ है। अच्छा एक बात और बताइएगा चाचा, जैसे कि ये जो गाँव है यहाँ पे पाँचवा तक का सिर्फ मतलब कि पढ़ाई होता है, मतलब होता है, मतलब कि ऐसा अगर हो जाए कि आठवां तक पढ़ाए हो तो और भी गाँव बढ़िया है। आओ बढ़िया है, आओ बढ़िया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ग्रामीणों से बात किए, यहाँ के जो शिक्षक थे दीपक सर उनसे भी बात किए और यहाँ के मतलब कि जो स्ट्रक्चर था विद्यालय का उसको भी मैंने आपको दिखाया और इस खबर पे मैं आगे भी आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।